नमस्कार दोस्तों, मैं शशभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज को, प्रतिशत को। इससे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक वीडियो आया था जिसमें हम लोगों ने एवरेज को देखा था और उसको समझा था। अब इससे हम प्रतिशत यानी कि परसेंटेज को समझेंगे कि क्या होता है, क्योंकि परसेंटेज बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो पूछते ही है और बहुत सारे जो टॉपिक है जैसे कि लाभ हानि है, इंटरेस्ट है, तो इस सब में बगैर प्रतिशत को अच्छे से जाने बगैर हम उसके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे लॉस एंड प्रॉफिट पे या इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसमें प्रतिशत का जरूरी होने वाला है, इसीलिए हमने पहले इसको क्लियर कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिशत आखिर होता क्या है। ये बहुत ही सिंपल है, इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 के लिए, मतलब 100 में कितना, जितना उतना ही प्रतिशत होता है। अगर हम बोलते हैं कि 25%, तो 25% का मतलब होता है कि 100 में 25, ठीक है दोस्तों। अगर हम कहें कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने कमाई का 25% खर्च कर देता है, यानी कि और उस आदमी का इनकम 500 रुपए है, अगर हम ऐसा कहें कि 25% वो खर्च कर लेता है और टोटल इनकम जो है उस व्यक्ति का 500 है, तो वो अपने कमाई का टोटल कितना रुपया खर्च करता है। तो चूंकि परसेंटेज में हमने क्या बताया है कि वो प्रत्येक 100 के लिए होता है, 100 के लिए होता है, यानी कि 100 में 25 रुपया उसने खर्च कर लिया, तो इसीलिए 500 में कितना करेगा, तो 500 में क्या करेगा कि चूंकि 100 में 25 कर रहा है तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 500 क्या है, 100 का 5 टाइम्स है, 5 गुना है, तो इसी तरह से जो एक्सपेंस हो जाएगा वो 25 × 5 यानी कि 125 रुपए वो आदमी क्या करता है कि अपने इनकम का खर्च कर लेता है। उसी तरह से अगर हम 10% कहते हैं तो 10% का मतलब हो जाता है कि 100 में 10, 100 में 10, चाहे किसी भी क्वांटिटी में हो। अगर हम कहें कि 10% आदमी अपने कमाई का एजुकेशन पे खर्च करता है, तो 100 में 10 रुपए वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर देता है। किसी कहेंगे कि अगर 10 रुपए 100 रुपए का वस्तु है, उसमें 10% का कमीशन मिल रहा है, छूट मिल रहा है, तो कितना छूट मिल रहा है, तो 10% का कमीशन मतलब 100 रुपए अगर कीमत है तो 10% छूट मिल गया, तो उसको कितना पे करना होगा, तो 90 रुपए ही, क्योंकि 100 में से 90 घटा देंगे तो 90 बचेगा, यानी कि 90 रुपए ही उस आदमी को पे करना पड़ेगा। तो इस परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 के लिए होता है, यानी कि 100 में कितना वैल्यू उसका है, जितना लिखा रहता है। प्रतिशत को परसेंटेज से सूचित करते हैं, जैसे हमने अभी यहां पे लिखा परसेंटेज, ये डिनोटेशन है परसेंटेज का, तो प्रतिशत को परसेंट से इस तरह के सिंबल से सूचित किया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देना चाहिए। अब अगर कह रहा है कि 25% जैसे, तो अगर उसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, तो उसको 100 में भाग से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 25% को अगर हम लिख सकते हैं तो 25/100 ये भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप इसको काटेंगे तो 25 से 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 100 का 1/4 25 होता ही है, तो देखिए उसमें भिन्न के रूप में भी वो यही एक्सप्रेस कर रहा है कि 1/4 माने 1/4 हुआ वो, ठीक है। तो किसी को भी परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग देना चाहिए। उसी तरह से अगर सपोज कीजिए कि 75% है, अब इसको आपको कहेगा कि भिन्न में कितना होगा, ये इसको भिन्न में बताओ, तो 75/100 यानी कि इसको काटेंगे तो 3/25 ऊपर में जाना 4 यानी कि 3/4 3/4 हो गया, 75 तो 100 में 3/4 होता ही है। तो किसी का भी परसेंट निकालने के लिए, परसेंट को भिन्न में चेंज करने के लिए, हम उस परसेंट को 100 में 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें भिन्न में वो परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक और पॉइंट है इसके रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं कि किसी राशि x को अगर किसी अन्य राशि y का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x/y × 100 का मान ज्ञात करते हैं। यानी कि हम कहते कि आपको कि जो 5 जो है, 5 जो है वो 25 का कितना परसेंट हुआ, 5 25 का कितना परसेंटेज है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए, यानी कि x को
एक्स को वाई के परसेंटेज के रूप में निकालना हो गया। यही हमने लिखा कि एक्स को अगर वाई का परसेंटेज ज्ञात करना हो तो इस वैल्यू का मान ज्ञात कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सपोज कर लो इसी तरह से आपको कह दे कि एक आदमी जो है 25 रुपए कमाता है और 5 रुपए खर्च कर देता है, तो वो अपने कमाई का कितना परसेंट खर्च करता है। तो यानी कि क्या है कि हम इस 5 को 25 के परसेंटेज के रूप में देखना चाहते हैं कि ये 5 रुपए जो है वो अपने जो टोटल वैल्यू 25 है उसका कितना परसेंटेज है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्स बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 100 का मान ज्ञात करते हैं। यानी कि अगर हम यहां से 5 को 25 का परसेंटेज ज्ञात करना हो तो क्या होगा, एक्स y x यहाँ पर 5 है तो 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि इसको काट दे तो 5 और इसको यहाँ से कर जाएगा तो 20, यानी कि ये हो जाएगा 20%। यानी कि 5 जो है वो 25 का कितना परसेंट है, तो 20% है। समझ गए दोस्तों, 5 जो है वो 25 का 20% है। उसी तरह से आप किसी भी क्वांटिटी का आप निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको निकालना है, सपोज कीजिए कि आपको निकालना है 90 जो है 90 यानी कि 15 90 का कितना परसेंट है, 15 90 का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 90 और मल्टीप्लाइड बाय 100, 15 छक्के 90 6 हो गया और इससे करेंगे 50/3 हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 16.33% जो होगा वही हो जाएगा 15/90 का। तो इस तरह से हम परसेंटेज किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। अब एक चीज और मैं इसमें बताना चाहता हूं, उसको आप देखिए, कभी कभी इस तरह से लिखा रहता है कि x का 10% तो कितना होगा, x का 10 तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x का 10% के लिए का मतलब यहां पे गुना मल्टीप्लीकेशन होता है, तो x मल्टीप्लाइड बाय 10, अब 10 को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो x का 10% हो जाएगा x इंटू 10/100, यानी कि एक्स बाय 10 से कट जाएगा, एक्स बाय 10 वैल्यू हो जाएगा इसका। किसी भी चीज को एक्स का 10% निकालना हो तो इसी तरह से निकालेंगे, जैसे हमने अभी बताया था कि 5 जो है वो 25 का कितना परसेंट हुआ, तो आपने 20% निकाला था अभी जस्ट मैंने बताया था। उसी तरह से अगर दूसरे तरह में बात करें कि एक्स जो है एक्स का 10% अगर हम यही से बात करें कि 25 का 20% कितना होगा, 25 का 20% कितना होगा, तो यहां से आप निकाल सकते हैं जैसे हमने लिखा है 25 गुने 20 डिवाइडेड बाय 100, आप इसको काटेंगे तो 20% और ये 5 इसको काटेंगे तो 5 यानी कि 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहां से कन्वर्ट किया इससे पहले कि 5 जो है 25 का कितना परसेंट हुआ था, तो 20%। अब उल्टा के अगर हमसे पूछा जाए कि 25 का, जैसे हमने बताया कि x का 10% कितना हुआ, तो x मल्टीप्लाई बाय 10/100 हो गया, अब 10 से 10 कट गया 10 और बचा ऊपर में x, नीचे 10, x बाय 10 हो गया। उसी तरह से अगर हमको इस एग्जांपल से 25 का 20% निकालना हो तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, इसको काट के निकालेंगे तो आपको 5 ही निकलेगा, 5 जो इसका क्वांटिटी हमने पहले ले रखा था। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज में का इस्तेमाल करते हैं। अब उसी तरह से सपोज कीजिए कि का देता है कि कोई क्वांटिटी एक्स है, है उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो उसके एक्स में ही 10% की वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो पहले एक्स का 10% निकालेंगे और उस 10% को फिर हम एक्स में जोड़ देंगे, तो क्या होगा कि एक्स में 10% की वृद्धि के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, इसको आप एक ध्यान में रखिए दोस्तों पहले, और इसको भी एक्स में 10% की अगर वृद्धि के लिए, तो पहले एक्स में जोड़ेंगे कितना, एक्स प्लस एक्स का 10%, क्योंकि एक्स में ही एक्स का 10% की वृद्धि हो रही है, तो एक्स में एक्स का 10% ऐसे इसको हम 10/100, तो एक्स का 10% तो यहां से हम निकाल लिए, एक्स का 10% ये हो गया और वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि टोटल हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा वृद्धि के बाद इतना हो जाएगा वृद्धि, तो टोटल जो होगा आफ्टर वृद्धि आफ्टर इंक्रीमेंट एक्स प्लस एक्स का 10, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो एक्स प्लस यहां से एक्स बाय 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11x/10, ये हो जाएगा। अगर इसी तरह से आपको दिया है कि एक्स की वैल्यू में सपोज कीजिए कि आपका 100 रुपये का वस्तु है, 100 रुपये के वस्तु में कह रहा है कि उस वस्तु में 10% के दाम में वृद्धि हो गई, तो कैसे निकालेंगे, तो 100 प्लस 100 का 10%, तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 10/100, यानी कि कैसे कर देंगे 100 से 100, यानी कि 110 रुपये हो जाएंगे, माने 100 में 10 का वृद्धि 110 हो जाएंगे। उसी तरह से अगर हमको ये कहा जाए कि एक्स में 10% का कमी, तो कमी
के लिए क्या करेंगे, बस इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला हमने आपको बताया ना दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पे प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस एक्स का 10%, इसको प्रतिशत में भिन्न में लिखेंगे कैसे लेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 9x/10 हो जाएगा। तो ये कमी और वृद्धि को आप याद रखिएगा दोस्तों, कि अगर कमी होगा तो प्लस उसी क्वांटिटी का x परसेंट निकालेंगे, और अगर सॉरी किसी वृद्धि हो जाएगा तो x प्लस x का 10% निकालेंगे, और अगर कमी हो जाए तो x माइनस x का 10% निकाल के उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज को। अब दोस्तों हम लोग इस पे एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर परसेंटेज समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है कि किसी मशीन के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है, वही मशीन था उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, तो बिकी हुई मशीनों की संख्या में 40% की वृद्धि हो गई, जो बिक्री है वो पहले से 40% की वृद्धि हो गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जो टोटल अमाउंट पहले मिलता था अब मिला, तो वो बढ़ेगा या घटेगा, प्रॉफिट में जाएगा ये स्कीम या लॉस में जाएगा दुकानदार के लिए, यही हमसे पूछ रहा है कि अगर मशीन के मूल्य में उसने 20% की कमी कर दिया, गिरा दिया, तो बिक्री जो है 40% बढ़ जाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि माना कि एक मशीन का मूल्य जो है वो ₹1 है, और उस समय जब x था तो मशीन की जो बिक्री होती थी, मशीनों की बिक्री जो होती थी वो y होती थी, y मशीन बिकते थे अगर ₹1 मशीन का वैल्यू था, तो टोटल अमाउंट कितने मिलेंगे, तो टोटल कुल रकम कितने होते होंगे दोस्तों, कि मूल्य इंटू नंबर ऑफ मशीन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सिंपल सा चीज है। तो एक्स इंटू वाई, इतने रुपए उसको पहले के स्कीम से मिलते थे जब वो 20% का गिरावट नहीं किया होगा, तो यानी कि मशीन का मूल्य ₹1 था और मशीन की बिक्री वाई की, तो पहले उसने वाई मशीन को बेच करके ₹1 से हिसाब से बेचते थे, तो एक्स इंटू वाई ₹1 कमाते थे वो। अब कंडीशन क्या कह दिया है, कंडीशन ये कह रहा है कि मशीन के मूल्य में 20% की उसने कमी कर दी, तो हमने अभी बताया दोस्तों कि किसी चीज में कमी को कैसे निकालते हैं, तो x अगर पहले से था तो x में 20% की गिरावट, x में 20% की कमी के लिए कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया कि x माइनस x का 20%, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 20/100, इसको आप निकालेंगे ये हो जाएगा 4x/5, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 4x/5, इतने रुपए हो जाएगा आफ्टर 20% की कमी। अब क्या हो जाएगा, तो अब मशीन के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 40% के, तो y में 40% की वृद्धि, इससे वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो y प्लस y का 40%, तो ये हो जाएगा y प्लस y का 40/100, यानी कि इसको 2/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y/5, इतने मशीन हो जाएंगे। अब जब वो बिक्री में 20% की कमी की तो मूल्य इतना हो गया, लेकिन मशीन जो है वो इतने बढ़ गए, तो अब कितने रकम मिलेंगे उसको, तो अब दिस मूल्य इंटू मशीन की संख्या, तो अब जो नया अब टोटल रकम कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल रकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4x/5 × 7y/5, यानी कि 28 × xy/25, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1.12xy। अब ये देखते दोस्तों, पहले xy कमाता था, अब वो कमा रहा है 1.12, मतलब टोटल रकम में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि अब निकालेंगे, इसीलिए वृद्धि इक्वल्स टू इंक्रीमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.12xy − xy, इतना वृद्धि हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.12xy ये वृद्धि हो गया इतना, यानी कि बिक्री का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो बिक्री क्या हो गया, इतने रुपए से क्या हो गया, बिक्री बढ़ गया, दुकानदार को इतने रुपए ज्यादा आने लगे। अब इसको हम अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहे कि पहले का जो रकम था वो कितना परसेंट से बढ़ गया, तो जैसे हमने आपको बताया था दोस्तों कि किसी चीज को दूसरे क्वांटिटी में व्यक्त करने के लिए कैसे निकालते थे, तो चूंकि इतने का परसेंटेज निकालना है, मतलब एक्स वाई को एक्स वाई के रूप में 0.12 का परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे,
एक्स बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0% कितना हो जाएगा, तो 0.12 एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई के रूप में हमें इसके रूप में हमें निकालना है, तो एक्स वाई और मल्टीप्लाइड बाय 100, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये हो जाएगा 12%। यानी कि क्या हुआ कि जो कुल आय हुआ, कुल अमाउंट हुआ, वो 12% से बढ़ गया। तो यही यहाँ पे बिक्री पे प्रभाव पड़ा कि उसका जो कुल अकाउंट अमाउंट आया वो 12% से बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, अब इस पे एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरभ के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो उसके पुराने वेतन स्तर पे लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए। अब सौरभ किसी कंपनी में काम कर रहा था, मालिक ने उसके काम से प्रसन्न होकर उसकी सैलरी को 25% से बढ़ा दिया, लेकिन जो बढ़ा दिया तो जो सैलरी आने लगा तो सौरभ को ये लगा कि हम बढ़ी हुई सैलरी को कहीं जमा कर दे, हम जमा करके अपना फिक्स डिपोजिट कर ले और हम समझे कि मुझे इतना ही पैसा मिल रहा, तो वो कितना सोच लेगा कि कितनी सैलरी को वो अकाउंट में या फिक्स डिपोजिट करेगा। तो इसके लिए आप दोस्तों देखिए प्रतिशत का भी क्वेश्चन के लिए आपको अच्छी तरह से उसकी समझ होनी चाहिए, ज्यादा फॉर्मूले का यूज ना करें इसमें भी, मैं तो यही कहूंगा, और इसमें आप कॉन्सेप्ट को समझ जाए और उसमें बनाए तो आप बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चूंकि 25% की वृद्धि हुई, तो मान लिया कि पहले इसकी सैलरी, पहले जो सैलरी थी, पहली जो वेतन थी वो 100 रुपए थी, अब उसमें 25% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, तो 100 में 25 की वृद्धि का मतलब हो गया कि 25 रुपए की वृद्धि, तो नया वेतन जो हो जाएगा, नए वेतन उसका हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 प्लस 25 यानी कि 125 रुपए हो गए। अब ये एक तरह से ये है कि 125 रुपए जो उसको नए वेतन मिले, तो पहले वेतन जो 100 रुपए है उसको लाने के लिए, मतलब उसपे लाने के लिए 125 में से कितना काटेंगे, तो 100 रुपए इसका वेतन हो जाएगा, तो 125 में से वृद्धि कितना हुआ, तो 25 रुपए, तो 25 रुपए अगर हम इसमें से हम घटा दे तो हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि उसका वेतन पुराने वेतन पे आ जाएगा। यानी कि ये कहना चाहता है कि 25 रुपए जो है, 25 रुपए 125 रुपए के कितने प्रतिशत हुए, कितने प्रतिशत है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो 25 125 के कितने प्रतिशत, तो x को y के रूप में बदलने का जैसे हमने बताया है यहाँ पे, तो 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको काटेंगे 5 और 5 से इसको काटेंगे 20, यानी कि 20% अगर वो आप समझ जाए सौरभ कि हम अपने सैलरी से अगर 20% बचा फिक्स डिपॉजिट कर दे तो हमारा जो वेतन है वो पुराने स्तर पे ही वो समझा जाएगा, यानी कि 20% 125 का निकालेगा तो 25 रुपए हो जाएगा। अब ये 25 रुपए को फिक्स डिपॉजिट कर दे तो उसके पास अब जो वेतन बचेगा वो पुराने वेतन के हिसाब से ही, जो 100 रुपए उसको मिलते थे उतने ही वेतन उसके पास बचेंगे दोस्तों। तो यही क्वेश्चन था कि उसके पुराने वेतन स्तर पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए, यानी कि 125 तो हो गया था 25% की वृद्धि से, अब अगर इसमें से 20% की कटौती कर दिया जाए इस 20% की, तो वो जो पुराना वेतन अपने आप उसको मिलना चालू हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि मालिक फिर से उससे निराश होकर उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती कर दे कि उसको पुराने वेतन मिलना चालू हो जाए। तो पहले तो 25% पर आया था तो वो 100 पे निकला था, लेकिन अब जो है उसको 20% घटा दिया तो उसको पुराना वेतन मिलना चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप परसेंटेज का क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप जो भी बुक है आपको उससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन सारे क्वेश्चनों को, और कोई डाउट होता हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसको दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को दूर किया जाए। अब आज के वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 85% खर्च कर देता है, 85% क्या करता है, खर्च कर देता है अपनी आय का, तथा 360 रुपए प्रति माह बचा लेता है, मतलब 85% अपनी सैलरी का खर्च करने के बाद भी वो 360 रुपए महीने का बचा भी लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले और एकदम कॉन्सेप्ट वाइज बनाए उसको, मैं आशा करूंगा कि निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ऑप्शन ए है 2000 रुपए, ऑप्शन बी है 2600 रुपए, ऑप्शन सी है 2400 रुपए, ऑप्शन डी है
2500 रूपए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगे कि कुछ और क्वेश्चन आपको परसेंटेज का चाहिए सॉल्व करके मैं बताऊं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो मैं इसका निश्चित पार्ट टू भी बनाऊंगा जिसमें और कुछ क्वेश्चन को परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य पे अपने फोकस को बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।